गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट जायरे द लैंड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, लेसन नंबर 4, जायरे द लैंड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। जायरे क्योंकि घने जंगलों की भूमि है। अब आप जो है यू विल लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फाइंड इन ग्रीन इन योर बुक देयर इज ग्रीन इन ग्रीन कलर जायरे। जायरे बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। बेसिन इज वेरी सुटेबल टू स्टडी इट्स अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन सच एज एनवायरमेंट इफेक्ट ऑन द पीपल वेजिटेशन ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। जायरे इज लोकेटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर। अब आपने देखा होगा कि जायरे जो है इक्वेटर के, आपने देखा कि इक्वेटर है ये, जैसे मान लो ये इक्वेटर है, तो इसकी दो बोथ साइड जायरे जो है, जैसे मान लो इस साइड भी इस साइड भी जो है हमारे क्या है जायरे लोकेटेड है। इसकी जो मेन रिवर है उसका नाम भी जायरे है। आपने देखा होगा कि वहां पर जो है इस बेसिन में जो रिवर जाती है तो उसे जो है जायरे कहते हैं। यहां पर एक रिवर है तो इसे जो है जायरे रिवर कहते हैं। द अर्लियर नेम ऑफ जायरे रिवर वाज कोंगो। अब जो है इससे पहले जो है इस रिवर का नाम जो है जो जायरे रिवर है इसका जो पहले नाम था क्या था, कोंगो रिवर था। कोंगो रिवर। द रिपब्लिक ऑफ जायरे इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका। अब जो रिपब्लिक जायरे को इनकी जो द रिपब्लिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ जायरे ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इसमें अफ्रीका में, इन अफ्रीका में जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। ये अफ्रीका के आपने देखा होगा, ये देखिए आप ये देख रहे अफ्रीका का मैप है, इसमें अफ्रीका दिखा रहा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका। तो इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो जायरे है ये देखो आप जो है इसमें जो है कहां पर है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट का मतलब आपने देखा होगा ये जो है ईस्ट, आपने हमेशा देखना आपके राइट हैंड में क्या होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। तो ये देखो वेस्ट, यहाँ से जो ये वेस्ट कोस्ट है, ये जो वेस्ट कोस्ट है ये देखो इसके साथ ये आपका इसके साथ जो है ये टच हो रहा है इसकी जो वेस्ट कोस्ट है। तो द इक्वेटर रन्स अक्रॉस द कंट्री। अब जो इक्वेटर है, अब जायरे के जो बीच में इक्वेटर जो लाइन है वो बीच में से जाती है इसके। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जायरे का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साउदर्न का जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। जायरे वाज फॉर्मली बेल्जियन कॉलोनी। जायरे जो है फॉर्मली जो है बेल्जियन कॉलोनी थी विच बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। ये जो है कब इंडिपेंडेंट हुई, 1960 में जो है ये इंडिपेंडेंट हुई क्योंकि ये बेल्जियन कॉलोनी थी, बेल्जियम के अधीन थी, कॉलोनी थी एक पहले। इन 1997 दिस कंट्री गिव द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब 1997
1997 में इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1997 में जो है इसका नेम रखा गया, नेम राइट। इट्स एरिया इज अबाउट 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब जो इसका एरिया है, एरिया जो है कितना है इसका, एरिया 2.35 स्क्वायर किलोमीटर, 2.35 स्क्वायर मिलियन है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट इज अबाउट 3 फोर्थ्स ऑफ साइज ऑफ इंडिया। अब इंडिया में 3 फोर्थ्स, इंडिया का जो साइज है उसका 3 फोर्थ है इसका साइज है। इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका और बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर। इन नेचुरल रिसोर्सेज टू इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इजली एंडोर कंट्रीज ऑफ द अमेरिका। इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब इसमें यहां पर क्या है, कहने में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अभी आपने कहा, अभी आपको मैंने पहले बताया था कि इसे जो है गहरे जहां पर स्थित है इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। तो इक्वेटर के जब आपने देखा कि जो इक्वेटर के इस साइड और इस साइड इक्वेटर के जो जो एरिया पड़ते हैं उन्हें इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। तो इसी तरह से जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आपने देखा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इट हैज क्वाइट ए फ्यू सिमिलैरिटीज विद द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ केरल इन इंडिया। अब जो है आपने देखा होगा कि जैसा हमारा क्लाइमेट केरल में होता है, भारत में जो केरल राज्य है ऐसा जैसा क्लाइमेट यहाँ पर होता है और फॉरेस्ट जैसे केरल में पाए जाते हैं वैसे ही आपके जायरे में पाए जाते हैं। टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, टू इट्स नॉर्थ लाइज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट द सहारा डेजर्ट। अब आपने देखा होगा इसकी जो नॉर्थ है इसका जो उत्तर है यानी कि जायरे जहां पर स्थित है इसके ऊपर को नॉर्थ में जो है क्या है, सहारा डेजर्ट है, बिगेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, रिमेम्बर इट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट। इट इज सराउंडेड बाय द अदर अफ्रीकन कंट्रीज लाइक एंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, युगांडा, सूडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि आपके आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो है चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसके जो है पाई जाती है, नेबरिंग कंट्रीज जो हैं। तो ये आप इसमें पेज नंबर 23 में आप अपने बुक में देखेंगे मैप में। द कैपिटल ऑफ जायरे इज किंशास। अब आपने देखा होगा कि जो इसकी कैपिटल है वो क्या है, किंशास। किंशास
इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गायरे। अब जो रिवर गायरे है, पहले भी हमने ये कहा था कि जो गायरे रिवर है इसी के नाम से इसका नाम जो है गायरे पड़ा। पहले से जो है कॉंगो रिवर कहा जाता था। आपने देखा कि ये बेल्जियन कॉलोनी थी, 1916 तक जो है ये बेल्जियन कॉलोनी रही। बेल्जियन के ये कॉलोनी के रूप में रहा, उपनिवेश रहा बेल्जियन का। और बाद में जो है ये 1997 में जो इसका जो नया नाम जो नेम जो रखा गया वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रखा गया। तो अब जो इसकी जो कैपिटल थी वो क्या है, जो कैपिटल है जायरे की वो किंसास है। ये जो है रिवर जायरे के किनारे स्थित है। मताड़ी किसान किसानगनी किसानगनी कतंगा एटेस्ट्रा आर द अदर इंपॉर्टेंट सिटीज। अब जो यहाँ की जो और महत्वपूर्ण जो सिटी है वो मताड़ी है, किसानगनी है और कतंग एटेस्ट्रा आर द अदर इंपॉर्टेंट। द रिवर जायरे फॉर्मली जिसे हम कॉन्गो रिवर कहते थे, फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब आपने याद रखना है कि जो ये जो रिवर है ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यानी कि फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है ये। और सबसे जो वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर को कौन सी है, नील रिवर है वर्ल्ड की, यानी कि संसार में सबसे लंबी नदी नील रिवर है। और सबसे ब्रॉडेस्ट यानी कि चौड़ाई के या विस्तार के रूप से जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न नदी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिस रिवर इज ज्वाइंट बाय नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज व्हिच हैव क्रिएटेड लो लेइंग एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड जायरे बेसिन। अब आपने देखा होगा इस रिवर में जो है जो प्लेन एरिया मैदानी एरिया बनता है उसी को जो है हम जायरे बेसिन कहते हैं। द जायरे बेसिन ऑक्यूपाइज अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द कंट्री। अब जो जायरे बेसिन है ये लगभग जो है दो तिहाई इनके 2/3 जो 2/3 है कंट्री जो कंट्री का जो है आपने देखा एरिया 2.35 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें से 2/3 यानी कि 2/3 एरिया जो है जायरे बेसिन का है। यानी कि पूरे देश में जो जायरे बेसिन है वो इसका जो है दो तिहाई पूरे एरिया का है। द जायरे बेसिन ऑक्यूपाइड अबाउट 2/3 एरिया ऑफ कंट्री। द इक्वेटर पासिंग थ्रू नॉर्दर्न जायरे। अब आपका मैंने पहले बताया था कि जो नॉर्दर्न जायरे है यानी कि नॉर्दर्न जायरे और साउदर्न जायरे, क्योंकि एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कुछ एरिया और साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में भी पाया जाता है ये। तो इसे आप जो है क्या याद करेंगे, इक्वेटर पासिंग थ्रू यानी कि जो नॉर्दर्न जायरे है हमारा जो नॉर्दर्न का हिस्सा है, जायरे का जो नॉर्दर्न का हिस्सा है उसमें से ये पास होती है क्या, इक्वेटर, उस हमने पहले ही आपको बता दिया था। दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडे। Now you do reading and try to fill your book word. Thank you.